एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास होंगे। तो न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे वाली। आप लोग भी उस खुशी को सुन के सच में बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है ना। तो चलिए पहले सबसे पहले न्यू व्लॉग स्टार्ट कर है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तो मैंने ना डिनर सेट मंगवाया है, ये अभी यहीं पे रखा हुआ है, बाहर ही रख दिया है। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इस बार मैंने थोड़ा सा अपनी पसंद का डिनर सेट मंगवाया है, जिस तरीके का मैं चाह रही थी उस तरीके का अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को तह, और इसमें से कुछ कपड़े प्रेस के हैं उनको अलग निकाल दूँगी, और जो अलमारी में रखने वाले हैं उनको अलग निकाल लूँगी। इसकी बनेगी चटनी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज और नीचे थोड़ा सा लहसुन भी है। तो चलिए इसकी चटनी बना लेती हूँ मैं भी। देखिए अच्छे से जो है हमारे प्याज और वो हो गए, बहुत ही अच्छा, सच में बहुत अच्छा चोपर है, सबसे ज़्यादा फेवरेट। मैं बस इसी चीज़ से परेशान थी, मुझे कभी कोई अच्छा सा चोपर नहीं मिला, बट ये मेरे लिए मतलब बस क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। तो ये वाला जो वीडियो है वो सुबह का है, और सुबह के टाइम में मांटू स्कूल के लिए उसकी टिफ़िन तैयार कर रही थी मैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बना दी है। बच्चे को कुछ ना कुछ नया सा चाहिए होता है ना, वो और भी बच्चों के लंच बॉक्स देखते हैं तो होता ही है कि हम भी ये लेके जाएं और हम भी ये करें। तो वही मैंने आज मांटू से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या लेके जाना है, तो कह रही मम्मी पकौड़ी बना दो। और वैसे भी ना मांटू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है पकौड़ियाँ, तो थोड़ी सी बस उसी के लिए बनाऊँगी, और तो कोई नहीं खाएगा, बाकी सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और मांटू को भी एक पराठा मैं दूँगी, और रात की चटनी रखी हुई है तो चटनी हो जाएगी, पराठा हो जाएगा, और एक उसको एप्पल दे दूँगी काट के, और कुछ पकौड़ियाँ हो जाएंगी। चाहे बच्चा खाए या ना खाए, थोड़ा खाए या ज़्यादा खाए, बट घर से होता है ना कि ये भी दे दें वो भी दे दे, भूख ना रह जाए उसको। तो आटे में ना मैंने सारे अभी सूखे मसाले डाले हैं इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरीके से पराठे। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया, अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं। अभी यहाँ पे सारे जो कपड़े थे मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, और कुछ कपड़े तह करने के भी थे और वो भी मैंने जो है निकाल के रख दिए हैं, अभी करे नहीं हैं। और ये एक मैंने स्टैंड मंगवाया था तो चम्मच रखने के लिए, तो उसके साथ में चम्मच भी फ्री आई है, मतलब 12 चम्मच का सेट है जो कि आया है उसमें। तो ये मैंने किचन में रखने के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मेरे पे ना अलग अलग हो रहे थे प्लास्टिक के, और वो भी मैंने सोचा चलो एक ही हो जाएगा ये स्टील वाला तो अच्छा रहेगा। और इसमें बिस्किट रखे हुए हैं, मांटू ने भी अपनी सीधी में से बिस्किट लिए, और देखिए इस तरीके से ना वो कहीं पर भी अपनी बालपिन रख देती है और फिर मिलती नहीं है।
तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली थी। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, और वीडियो आज का ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैं आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मुझे आप लोगों को बताना था कि जैसे कि मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे ना कोई हाउस हेल्पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर बहुत ही ढूँढा नहीं मिल रही थी, बट फिर भी हमारी मतलब उससे पता नहीं कैसे एक आंटी मिली है, और वो आज आई भी थी और बात करके गई हैं फाइनली। तो वो झाड़ू पोछा और बर्तन, बस एक टाइम के बर्तन, मतलब सुबह सुबह के जब भी वो आया करेंगे उसी टाइम के बर्तन। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि देखिए चलो अभी तो मैं कर सकती हूँ, थोड़े बहुत दिन और कर सकती हूँ, पर आगे नहीं हो पाएगा है ना। तो कोई ना कोई इस तरीके का मतलब क्लीनिंग, वैसे पूरे घर के जैसे समेटा समाटी करनी है, डस्टिंग करनी है, कपड़े धुलने की भी इतनी टेंशन नहीं रहती है, कपड़े भी बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, बस सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछे का था। और देखिए घर में, पूरे घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूरे ही घर में झाड़ू पोछा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो था, एक बार तो अच्छे से हो जानी चाहिए। तो वही, और बस बर्तन तो इसलिए हो गए क्योंकि उनका था इसमें कि झाड़ू पोछा और बर्तन, तो एक टाइम के बर्तन हो जाया करेंगे, बाकी तो जो भी रहा करेगा। देखिए क्योंकि बर्तन तो खाना पीना पूरा दिन होता है ना, तो पूरा दिन ही बर्तन भी होते हैं, पर वो है कि अपना हम कर लिया करेंगे। जैसे कि दोपहर के हो गए, अभी दोपहर को खाना पीना बनता है, शाम के हो गए है ना, तो शाम का अपना खाना पीना करके अपना बर्तन वर्तन करके मैं रख दिया करूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं शाम के बर्तन भी इकट्ठे, क्योंकि मैं सिंक में बर्तन इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। बस वो हो जाया करेगा कि जैसे कि सुबह के बर्तन हैं, मतलब सुबह के जब वो आया करेंगे तब बस उस टाइम के वो कर दिया करेंगी। तो मुझे तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को भी सुन इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई होगी कि मतलब मेरे लिए अब ज़रूरत, क्योंकि देखिए मैं ना कभी रखती नहीं हूँ है ना, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ मैं, जैसे कि पर अभी टालने वाली सिचुएशन नहीं है कि हम टाल सकते हैं या मैं कर लूँगी, क्योंकि सभी जब मना कर रहे हैं कि मत कर मत कर अब मत कर, क्योंकि झाड़ू वाड़ू भी काफ़ी सारी लगती है, ऊपर भी लगती है नीचे भी। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो कोई मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा, फिर हम आगे के लिए भी उनको रख लेंगे क्योंकि फिर बाद में भी चाहिएंगी ही चाहिएंगी है ना। तो वो है, तो फाइनली हमें मिल गई है, और बस आज काम करके गई हैं वो, बाद वो काम करके कह रही हूँ सॉरी, बात करके गई हैं, कल से आना उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगे सुन के मुझे प्लीज़ बताइएगा। और हाँ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप ना खाना पीना मत बोला करो, तो पता नहीं मेरे मुँह से क्यों ये ही निकलता है कि खाना पीना हो गया। और दूसरी चीज़ एक और मैं आप लोगों को बात बता देती हूँ, मुझे ना मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं उस पर बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, हो सकता है इससे अगली या इससे अगली वीडियो आप लोगों के साथ में मैं वही शेयर करूँ। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि मैं इनका रिप्लाई नहीं कर सकती, कमेंट में जाकर के एक एक कमेंट में जाकर के उस बात का रिप्लाई करना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं सोची हूँ कि उस चीज़ को लेकर के मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। तो मुझे पहले तो ये चीज़ नहीं लगी थी कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके के कन्फ्यूज़न भी हो रहे हैं, वो इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, बट मैंने जब इंस्टाग्राम पर जब मुझे मैसेज आए, जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मुझे ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या आपकी प्रेगनेंसी IVF है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी सब चीज़ों का मैं रिप्लाई करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगले वीडियो जब भी कोई आएगा तो मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में उस चीज़ को शेयर भी करूँगी। अभी अभी मेरे माइंड में ये बात आई इसलिए मैंने बोल भी दिया, ठीक है। तो मैंने जो है अपने लिए कुछ कुर्तियाँ मंगवाई हैं,
और जैसे कि मुझे अब थोड़ा सा मतलब बड़ी खुली कुर्तियाँ चाहिए, तो उसी के हिसाब से मैंने अपने लिए मंगवाई है। एक तो यही है जो मैं पहन रही हूँ ना, ये भी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ढीली ढाली सी है, थोड़ा सा अपने उसके साइज़ के हिसाब, क्योंकि जो भी मेरी कुर्तियाँ रखी हुई हैं मतलब जो मैंने पहनी हुई है वो सारी ही फिटिंग की हैं, तो वो नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने अपने लिए अभी के लिए थोड़ी सी कुर्तियाँ मंगवाई हैं, मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाहर भी आना जाना पड़ता है और घर में भी थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े ही चाहिए। तो एक तो है ये वाली, ये ब्लू कलर की कुर्ती है मेरी, ये वाली। मैं ना साइड में इनके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि कैसी लग रही है पहनने के बाद में, है ना। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती है ये वाली। ये इस तरीके की है, कॉटन में है ये, और ये नेवी ब्लू है इस तरीके की। मैं खोल के दिखा देती हूँ, ये इसके गले पे कुछ इस तरीके की, और ये इसकी स्लीव्स है, ये वाली इसके स्लीव्स पर भी वर्क हो रखा है ना। तो ये कुर्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी ये। और इसके नीचे ही वाला जो है वो पैंट दिया हुआ है, ये वाला, ये भी ब्लू कलर का ही है ना। और इस पे नीचे ये बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये इसके साथ में पैंट है, और ये है इसका दुपट्टा, पूरा ही दुपट्टा ये इसी तरीके का है, ये वाला, ये दुपट्टा है इसका, काफी अच्छा है दुपट्टा भी, है ना। हम ले सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे पल्लू रखना होता है उसके हिसाब से भी बिल्कुल सही है ये। तो एक कुर्ती हो गई ये वाली, बताइएगा आप लोगों को ये पूरा जो सेट है वो कैसा लगा है, मुझे तो काफी पसंद आई है। और सेकंड जो कुर्ती है वो है ये वाली, ये जो है ये इस तरीके की, इस पे भी काफी अच्छी जो है वो कढ़ाई हो रखी है, इस तरीके की कढ़ाई हो रही है इस पे, और ये पूरी ही कुर्ती पर इसी तरीके के जो है वो फ्लावर बने हुए हैं। गला इसका कुछ इस तरीके का है, और ये नीचे से ऐसे, ये भी मैंने मतलब ये जो भी कुर्ती मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई है। सभी के जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी सी कुर्तियाँ हैं, और इसके नीचे ये पैंट है ही वाली, और इसका जो दुपट्टा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, जिस वजह से जो है मैंने ये कुर्ती ली है, मतलब दुपट्टे की वजह से। ये नेट का इसके ऊपर दुपट्टा है, मतलब अगर कहीं जा रहे हैं डालने को कुर्ती के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये दुपट्टा है, पूरे ही दुपट्टे पर इस पे कढ़ाई हो रखी है, ये वाला दुपट्टा है, ठीक है। ये भी बहुत ही सुंदर, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कुर्ती का। और एक सेट है ये वाला, ये इस तरीके का, ये कुर्ती है, इस पूरी ही कुर्ती पे जो है वो कढ़ाई हो रखी है पूरी ही कुर्ती पे, और ये इसका इस तरीके का गला है, गले पे ये डोरी लगी हुई है, बहुत प्यारी सी कुर्ती है ये भी, है ना। और ये इसकी स्लीव्स हैं, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, मुझे चाहिए थी। और ये इसके नीचे का जो है वो प्लाजो है इस तरीके का, पूरे ही इस पे प्लाजो पे भी ना यहाँ पे कढ़ाई हो रखी है फ्रंट में, ये वाली, तो ये इसका प्लाजो है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई हो रखी है बटरफ्लाई वाली। तो ये इसका है इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोनों का ही, कढ़ाई वढ़ाई दोनों ही बहुत ही बढ़िया हो रही है, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से पहनने वाला ना बहुत ही बढ़िया कलर है इसका, और ज़्यादा वो भी नहीं है कि सितारे वितारे हैं ना, तो गर्मियों में घर में आराम से इसको पहन सकते हैं। और मांटू ने अपने लिए एक जोड़ी शूज़ मंगवाए हैं, ये वाले,
ये वाले शूज़ मंगवाए हैं उसने, इस तरीके के मैंने भी मंगवाए थे और ये मांडू ने भी मंगवाए हैं, ठीक है। और एक जोड़ी अब मैं भी मंगवाने वाली हूँ ऐसे, पहले तो मांटू ने ही अपनी मंगवाई है ये चप्पल डेली यूज़ के लिए, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये, तो मैं भी अपने लिए ऑर्डर करूँगी एक जोड़ी ये वाली। और बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर लगती है पैरों में पहन के। मांटू ने ये वाला कलर मंगवाया है, पर मैं कलर दूसरा मंगवाऊँगी, डिफरेंट कलर मंगाऊंगी, वरना फिर मेरी और मांटू की सेम हो जाएंगी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये। और एक तेल की सिसी है, ये ख़त्म हो गया था डेली यूज़ करने वाला ऑयल, तो मैंने एक ये मंगवा लिया है। तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और कुर्तियाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो का एंड कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।